नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं सोनिया। इस समय तस्वीरें आपको दिखा रही हूं नेशनल हाईवे नंबर 9 की, जहां पर आप इस समय देख रहे हैं कि फैमिली ढाबा था, जिसको नगर तथा ग्रामीण आयोग द्वारा लोगों ने नोटिस भेजा और कुछ क्षणों के अंदर पूरा एक अच्छा कामकार चलता हुआ एक मिनट के अंदर सारा गिरा दिया गया है। जबकि परिवार के लोग और आपको यहाँ पर लोग दिखाई देंगे, जो कि उनके द्वारा सामान निकालने का भी समय नहीं दिया गया, जिसको लेकर के जो मालिक हैं उनमें भी रोष है कि नोटिस ज़रूर पहले भेजा गया था, लेकिन कार्रवाई करने आए अफसरों को बार बार अपील करने के बाद भी कि हमें कुछ घंटों की मोहलत दे दीजिए कि आखिरकार जो सामान हमारा अंदर है उनको बाहर निकाल दिया जाए। पर जो अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे, मैडम बताए जा रहे हैं कोई यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके साथ काफ़ी संख्या में पुलिस प्रशासन भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर आया, कि किस हिसाब से यहाँ पर जो फोर्स के साथ पूरे दलबल के साथ अधिकारी पहुँचते हैं और चंद मिनटों में पूरा तहस नहस कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर छोटे से बच्चे भी लगे हुए हैं जो सामान उठा रहे हैं। इस समय सामान तक निकालने की यहाँ पर मोहलत नहीं दी गई और सामान जो है बिल्कुल एक मिनट के अंदर सामान के समेत ही पूरी जो बिल्डिंग है उसको गिरा दिया जाता है। और वहीं बात करने से ये भी पता चल रहा है कि अधिकारियों द्वारा पिछली 24/8 को एक नोटिस भेजा जाता है कि ये जो ढाबा है इसको हटाया जाए, परमिशन नहीं ली गई। पर फिर भी जब अधिकारी यहाँ पर पहुँचते हैं कुछ भी टाइम ना देने के बावजूद एक मिनट में आप देख रहे हैं कि तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से सिर्फ चंद मिनटों में पूरा जो ढाबा है वो गिरा दिया जाता है और सामान तक निकालने नहीं दिया जाता। इस समय देखेंगे आप कि किस तरह से बिल्डिंग तोड़ने के बाद सामान निकाला जा रहा है। हालांकि खस्ता हालत भी आपको दिखाई दे रही है इस समय तस्वीरों में कि बिल्कुल ही पिलर गिर चुके हैं और कहीं ना कहीं ये भी एक मुसीबत को न्योता दिया जा रहा है उस तरह से सामान निकालना अंदर से। पर जिनका सामान है उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये पूरे वाक्य हुआ और किस तरह से अधिकारी यहाँ पर पहुँचते हैं और ये इस पूरे होटल को ढाबे को तोड़ने की चंद मिनटों के अंदर तोड़ देते हैं। आप देखिए इस समय भी तस्वीरें आपको अंदर दिखा रहे हैं। वहीं इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का नोटिस आया था और क्या कार्रवाई की गई है। सर, ये तोड़ा गया है, अधिकारी यहाँ पहुँचे थे एकदम से बिल्कुल ठीक ठाक बिल्डिंग को तोड़ दिया गया, क्या कार्रवाई? मैडम ऐसे था जी, पूरी हिस्ट्री बताता हूँ आपको। मैंने ये हमारी जमीन सरकार ने ले ली थी, मेरी जमीन 19 मरले कुल बची थी, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, मेरा एक लड़का बेरोजगार है, हमने मतलब ये अपना रोजगार और बच्चे की रहस करी थी, भी बच्चे को यहाँ रहस कर लेते हैं, साथ में चाय वाय का काम चला लेगा। इसके बाद में जब मैं इसको बनाया तो इन्होंने मेरे को नोटिस दिया, मैंने डीसी साहब को रिक्वेस्ट करी, एप्लीकेशन लगाई कि डीसी साहब भी ऐसी स्थिति है मेरी, मैं 24 घंटे बीमार रहता हूँ और मेरी 10,000 रुपये की महीने की दवाई चलती है, तो मेरा एक लड़का है वो बेरोजगार है और मैं कर्ज लेके और ये मेरा रोटी रोजगार चलाना चाहता हूँ, तो मेरा यहाँ खेत था, खेत के ज़मीन काबिल नहीं रही बिजाई के लिए, खेती के लिए बहुत कम ज़मीन थी, तो मैं मतलब ना भी कोई मेरा गुजारा चलाने के लिए मैंने ये काम किया। इसके बाद में फिर मैं दफ्तर में मुझे बुलाया गया, वो मुझे कहने लगे, मैं कहीं बताओ सर मैं क्या करूँ, अगर आप ज़मीन भी नहीं बाँटने देते और ज़मीन तो बाँटने वाली मेरी नीचे चलेगी, मेरे पास एक कनाल ज़मीन है, ये एक कनाल में अब बताओ मैं रोटी कहाँ से खाऊँगा, इसलिए मेरे को कोई कार्रवाई ना की जाए। मैंने नक्शा बना के सड़क के सेंटर से 204 फुट दूर मैंने एक कच्ची छत लगा के और एक बिल्डिंग तैयार करी थी और वो सारी ऐसे कम से कम मेरा 30 लाख रुपए का ये मिटा के प्रशासन अपनी दिलगी कर रहा है। हाँ जी, एक मिनट, 30 लाख रुपए का है जी। अब ये आए, मैं किसी काम के लिए जा रहा था, इन्होंने मेरे को कोई सबूत नहीं दिखाया, कोई नोटिस नहीं दिखाया, भी आपके पास कोई पावर कोई चीज़, एक मिनट का समय नहीं दिया और मेरा 30 लाख, एक मिनट, 30 लाख का मेरा सामान जो है जी, 30 लाख का सामान, 30 लाख का सामान मेरा इन्होंने तहस नहस कर दिया 3 मिनट के अंदर। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करी, गुस्सा भी हुआ, बहुत रिक्वेस्ट करी, जिससे मैं पूछूं मैडम आई, इनके डिपार्टमेंट की हेड मैडम थी, मैडम किसे पूछे तो मैडम कह रही है पुलिस वालों को पता होगा, उनका पता होगा, तो तोड़ा तोड़ कौन रहा है? एक मिनट रुकवा, इस वेश पर तोड़ रहे हो, प्लीज मुझे बताइएगा, है मैं गरीब आदमी हूँ, मैं सुविधा दे रहा हूँ और मतलब अपने खेत में बैठा हूँ, है जी, इसलिए मैंने मतलब ना भी थोड़ी मोटी चाय वाय के लिए भी मैंने कमर्शियल कनेक्शन ले लिया कि मतलब मेरा रोजगार चलता रहे, मेरा बुढ़ापा निकल जाए, तो मेरे साथ बिल्कुल अन्याय हुआ है। कम से कम मेरा 30 लाख रुपए का ये प्रोजेक्ट था जी, है जब 5 लाख रुपए मैंने 4 लाख रुपए कर्जा लिया था, बाकी मेरे पीछे जमीन के पहले पैसे थे वो पैसे मैडम यहाँ पर पहुंचे थे, उनसे ऑर्डर की कॉपी मांगी, मैंने बिल्कुल कॉपी मांगी जी, मैंने रिक्वेस्ट करी,
लेकिन मेरी एक भी बात नहीं सुनी और मेरा सारा सामान इन्होंने बीच में दबा दिया। ऐसा जुल्म मैं ना कभी देखा, ना देखा और ना मेरे ख्याल में भी सुना भी है। इतना भी जुल्म होता है, कोई चीज का मुझे प्रूफ ही नहीं दिया। जब उससे पूछो तो उससे पूछ लो, उससे पूछो तो उससे, तो फिर कौन डा रहा है? मैं कार्रवाई की ये कर रहे हैं, कम से कम मेरे को इसका क्लेम मिलना चाहिए और इन पर इस डिपार्टमेंट पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने इनको नक्शा दिया था, मैंने इनको ये भी कहा था अगर ये अवैध है तो आपके पास कौन सी चीज है भी, आप कहाँ तक अवैध है? इस नेशनल हाईवे की बात करें, टोटल कितने ढाबे हैं जो आपके आसपास लगते हैं? मेरे आसपास मेरे साथ में बिल्डिंग है जी, हमारी दोनों के घर आए थे या उनकी भी रहस्य मेरी भी रहस्य। वो सड़क से 3 फुट भी दूर नहीं है ना, तो वो ढाबा उनके ऐसा ही कच्चा पक्का ढाबा उन्होंने बनाया था, ना तो वो तोड़ा ना बिल्डिंग तोड़ी, और सरकार ने पैसे दे के फिर उन्होंने बनाया। उनके पास बेचारों की जमीन इतनी है, इतनी मेरे पास है, तो मैंने अगर यहाँ मेरे बेटे की रहस करके उसको साथ में अगर चाय पानी का काम कर लिया तो क्या बुरा हो गया? मेरी 2-3 फ्रिज है, मेरा 80,000 रुपया था, मैंने मतलब यहाँ देखिए मिट्टी डलवा रहा था तो उसका 80,000 रुपया था, वो दब गया, मेरे को नहीं मिला, अब पता नहीं मिलेगा कि नहीं। तो उसी के साथ जानने की कोशिश करते हैं कि मौके पर पहुंचे और चश्मदीद भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो अधिकारी यहाँ पर पहुंचे किस तरह से उनका रवैया था। जी मैडम, जो रवैया था ना मैडम का, वो बिल्कुल ही गलत था। हम बोले हम ड्राइवर बंदे हैं, हम यहाँ रोटी खाया करते हैं, हमारा परिवार की तरह ही है, ठीक है। हम जब यहाँ आया करते थे बिल्कुल बेफिक्र होकर आया करते थे, आज उसके आगे हमने भी आज जुड़े कि मैडम 2 दिन का टाइम दे दो, मोहलत दे दो। उसने कहा बका के बैगो, तुम क्यों खड़े हो यहाँ? मतलब सरकार इतनी बड़ी होगी कि हमारे पर ही हाथ मारेगी? हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम भी तो इंसान है, ये बकरी थोड़ी है जो इसको बका के मारेगी पुलिस। कितने लोग थे जो यहाँ पर मौके पर? सारे पुलिस है, कम से 50-60 बंदे थे यहाँ। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैडम आपकी कार्रवाई करो, वो कार्रवाई की नहीं मना करते। मैं कम से कम इतना भी तो देखो ना, कोई बंदा हाथ जोड़ रहा, पैर कर रहा, तिल तक हाथ जोड़े, मदन भाई ने हाथ जोड़े, हमने हाथ जोड़े, सब ने करा कि अब मैडम 2 दिन का टाइम दे दो, कहते इनको बगा के बाहर फेंको। कोई वीडियो बनाते टाइम भी बना रखी है? वीडियो बनाई थी, वो अगली बात सुनने को राजी नहीं, वीडियो बना रखी है वो मैडम, बात सुनने को राजी। ऐसी मैडम हमें नहीं चाहिए किसी को भी, जो गरीब बंदे को मारे, जो गरीब बंदे को मारे ना। इन्होंने क्या, हमें आते हैं बाबूजी करके, हम आते हैं, हमारे को रोटी राटी सब मिलती है। इस हाईवे पे दिखा दो कौन सा ढाबा है, ड्राइवर बंदा कहाँ जाएगा? मैडम ड्राइवर बंदा कहाँ जाएगा? सुलित है कोई यहाँ रात दिन गाड़ी लूटती है, उसका कोई कारण है? सब कारण दो ना, इसका ऑप्शन तुम उठाओ ना, फिर ढाबे नहीं होंगे तो कहाँ जाएंगे हम? बिल्कुल सही बात की हाईवे के ऊपर ही ज़्यादातर लूटपाट भी देखी जाती है, इस तरह से ढाबा एक परिवार रह रहा है, तो जिस तरह से ये सारी कार्रवाई की गई चंद मिनटों के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरह से आप देख रहे हैं कि गाड़ी यहाँ पर पहुँचे और एक मिनट में चला दिया जाता है, जबकि परिवार का और यहाँ रहने वाले मालिक का कहना है कि हमें सामान निकालने तक की मोहलत नहीं दी गई। इसी के साथ आपको पीछे की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगी कि किस तरह से पूरा जो इनका कमरा था या सामान था वो बिल्कुल बीच में ही दब चुका है। आप देखेंगे कि पानी की टंकी है, फ्रिज है और भी बहुत सारा सामान है जो बाहर निकाल निकालने तक का मौका नहीं दिया गया, और मौके पर अधिकारी पहुंचते हैं। पीला पंजा यहां पर अधिकारियों द्वारा चला दिया गया, जबकि मालिक का कहना है कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी उनको कि इस तरह की कार्रवाई ना की जाए और हमें कुछ समय दिया जाए कि आखिरकार हम यहां से अपना सामान निकाल लें, पर अधिकारियों द्वारा बिल्कुल ही इनकी बात अनदेखी की गई। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।